अब सबसे पहली चीज ये है कि बाजार कहते किसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट इन ए सिंपल लैंग्वेज। अगर हमें साधारण भाषा में ये पूछा जाए कि बाजार किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बाजार शब्द से अर्थ उस स्थान विशेष से होता है जहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय क्रेताओं और विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। मतलब मार्केट इज ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल एंड परचेज बाय द बायर्स एंड सेलर्स। ये पुरानी परिभाषा है, लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अब बाजार की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि बाजार के लिए अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से भी हम बाजार कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में हम लोग बाजार पढ़ेंगे कि उसका कई प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, लीगलिटी के अकॉर्डिंग कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, पर जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हम बाजार का जो क्लासिफिकेशन है वो कॉम्पिटिशन के आधार पर या प्रतियोगिता के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, जिसके आधार पर प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रतियोगिता के आधार में सबसे पहला बाजार कहलाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। दूसरे बाजार को हम कहते हैं शुद्ध प्रतियोगी बाजार, प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। तीसरे बाजार को हम कहते हैं मोनोपोली या एकाधिकार या एकाधिकारी बाजार, और चौथा बाजार होता है अपूर्ण प्रतियोगी या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब अपूर्ण जो प्रतियोगी बाजार है, जिसे हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं, ये तीन भागों में बटा होता है हमारे द्वयाधिकार, नंबर दूसरा अल्पाधिकार ओलिगोपोली, और नंबर तीसरा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एकाधिकारात्मक करात्मक प्रतियोगी बाजार। अब कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस बाजार को हम काल्पनिक बाजार कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर पूर्ण प्रतियोगी बाजार को हम काल्पनिक बाजार या इमेजिनरी मार्केट कहते हैं। अब वो पूछेगा ऐसा क्यों कहते हैं इमेजिनरी मार्केट को, पूर्ण प्रतियोगी बाजार को, तो आप ये बताएंगे कि सर पूर्ण प्रतियोगी बाजार को इसलिए काल्पनिक बाजार कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है कि बायर्स हैव द फुल इंफॉर्मेशन टू द मार्केट, लेकिन वास्तविक व्यवहार में क्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अभाव होता है, मतलब जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को अपने खेत पर बेच रहे हैं और उसी कीमत को पर आपको बाजार में बेचनी पड़ेगी, उसी कीमत पर आपको दिल्ली में बेचनी पड़ेगी, उसी कीमत पर आपको कलकत्ता में बेचनी पड़ेगी, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा नहीं पाया जाता। और तीसरी चीज है कि पहला हो गया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या हुआ कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी हो, दूसरा हो गया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यातायात लागतों का अभाव पाया जाता है, और तीसरा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो वस्तुएं हैं वो होमोजीनियस होती है, वस्तुएं समरूप होती है, व्यवहारिकता में वस्तुएं समरूप नहीं होती है। तो ये तीन कारण ऐसे हैं जिनके कारण पूर्ण प्रतियोगी बाजार को हम काल्पनिक बाजार कहते हैं। शुद्ध प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कई सारी मान्यताएं हैं, और उन सारी मान्यताओं में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनको हम शामिल नहीं करते हैं शुद्ध प्रतियोगी बाजार में, और उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, शुद्ध प्रतियोगी बाजार कहलाता है। शुद्ध प्रतियोगी बाजार में जो पांच दोष की मान्यताएं हैं उसमें नंबर पहला होता है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, ये शुद्ध प्रतियोगी बाजार की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता होती है शुद्ध प्रतियोगी बाजार में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट
जो वस्तुएं हैं वो समरूप होती है या एक जैसी होती है। तीसरा, कृत्रिम बंधनों का अभाव पाया जाता है, शुद्ध प्रतियोगी बाजार में कृत्रिम बंधनों का अभाव पाया जाता है। चौथी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, कोई भी फर्म जब चाहे आकर अपना सामान बेच सकती है और जब चाहे आकर जा सकती है, तो चौथी मान्यता हो गई। पांचवी मान्यता हो गई कि बाजार में क्रेताओं को बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। तो ये पांच मान्यताएं बताती हैं कि यह बाजार कैसा है, शुद्ध प्रतियोगी बाजार है, ठीक है। जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में इसमें चार मान्यताएं और जुड़ जाती हैं। उसमें नंबर होता है वस्तुओं एवं साधनों की पूर्ण गतिशीलता, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कमोडिटी है, वो फुली मोबिलाइज है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। परिवहन लागत की अनुपस्थिति, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी एडेड इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव टू मार्केट। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और दूसरा, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं की कीमत प्रतियोगिता के आधार पर निश्चित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए चार दुकान वाले हैं और एक ही जैसी वस्तुएं बेच रहे हैं, तो पहली दुकान पर आप गए, उसने कहा 20 रुपए, दूसरे पे गए, उसने कहा सर हमसे ले लीजिए 19 रुपए, तीसरा कहता सर हमसे ले लीजिए 18 रुपए, चौथा दे देता है 15 रुपए। तो इस तरह की स्थितियों में प्राइस वार होगा, जब प्राइस वार होगा तो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होगा, खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, फिर एक कार्टेल बन जाता है और फिर एक कीमत तय कर दी जाती है कि इस कीमत पर सभी दुकानदार उस वस्तु को बेचेंगे, ठीक है। तो ये 9 मान्यताएं होने पर उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। स्टार्टिंग की जो 5 मान्यताएं हैं उसको हम शुद्ध प्रतियोगी बाजार कहते हैं। तीसरा बाजार आता है मोनोपोली, एकाधिकारी। एकाधिकारी मोनोपोली, इसको इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स पावर, मतलब सिंगल पावर। एक ऐसा विक्रेता जिसके पास संपूर्ण ताकत हो, जिसके अलावा बाजार में कोई कॉम्पिटिशन ना हो। वर्तमान समय में जैसे डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस में सरकार की मोनोपोली है कि सरकार के अलावा डिफेंस सेक्टर में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन्हें कोई अन्य नहीं बनाता है, तो इस प्रकार हम उसे मोनोपोली कहते हैं। अब हम लोग करते हैं मोनोपोली होती क्या है। मेनली हम लोग यही टॉपिक चल रहा था और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नोट करिए आप लोग, यदि किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, यदि किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो और उस बाजार में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता हो, और उस बाजार में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, तो इस प्रकार के बाजार को विशुद्ध एकाधिकार, प्योर मोनोपोली, निरपेक्ष एकाधिकार, एब्सोल्यूट मोनोपोली और परफेक्ट मोनोपोली, पूर्ण एकाधिकार, निरपेक्ष एकाधिकार और शुद्ध एकाधिकार या विशुद्ध एकाधिकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्म है वही उद्योग हो जाती है और उद्योग ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। एकाधिकारी है वही फर्म है, वही उद्योग है, वही कीमत निर्धारित करता है। लेकिन इस बाजार में आपको याद रखिएगा, जो एकाधिकारी है वो केवल दो में केवल एक ही चीज निश्चित कर पाएगा, या तो कीमत या तो मात्रा। अगर कीमत निर्धारित, अगर उत्पादन कम करता है तो वस्तुओं की कीमतें ज्यादा रखेगा, है, क्योंकि उसके हाथ में उत्पादन नहीं है तो वो कीमतें बढ़ाएगा। यदि कीमत है तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन है तो कीमतें नहीं होंगी, केवल एक ही चीज वो अपने आप को निश्चित करता है। अतः उसको हम लिख सकते हैं कि विशुद्ध एकाधिकार से अर्थ उस एकाकी फर्म उद्योग से है जहां पर फर्म की वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं की मांग की प्रतिलोम शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि किस बाजार में मांग की प्रतिलोम शून्य होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किस बाजार में मांग की प्रतिलोम शून्य होती है और किस बाजार में मांग की प्रतिलोम एक से कम होती है। दोनों केसेस हैं और दोनों ही एकाधिकारी हैं, लेकिन जब बात आए प्योर मोनोपोली की, बात आए परफेक्ट मोनोपोली की, बात आए आपकी
एब्सोल्यूट मोनोपोली की, क्योंकि वही फर्म है, वही उद्योग है, उसके अलावा कोई और फर्म नहीं है। तो क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो लेकिन उसका असर दूसरी जगहों पर पड़े। फॉर एग्जाम्पल, डीजल की कीमत कम होती है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, सब्जियां सस्ती होती है और उसका इम्पैक्ट अलग जगहों पर पड़ता है, क्योंकि कीमत किसकी कम हुई, डीजल की, लेकिन उसका प्रभाव अन्य जगहों पर पड़ा। लेकिन इसमें मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, क्योंकि वही फर्म है, सिंगल सेलर है, वो कुछ भी करे उसका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए प्योर मोनोपोली, एब्सोल्यूट मोनोपोली या परफेक्ट मोनोपोली में जो मांग की प्रतिलोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कैसी होती है, जीरो होती है। नोट कर लीजिएगा आप ये पॉइंट। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आता है कि विशुद्ध एकाधिकार या प्योर मोनोपोली के अंतर्गत फर्म का औसत आगम वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, फर्म का जो औसत आगम वक्र है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होती है, मांग की लोच है वो यहाँ पर एक होती है, मांग की लोच एक के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को फर्म की वस्तु पर खर्च कर देता है, चाहे कीमत कुछ भी हो, ठीक है। इसीलिए फर्म के औसत आगम वक्र की लोच एक के बराबर होती है, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत फर्म सदैव समुदाय की समूची आय को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। लेकिन फर्म इनमें एक ही चीज निश्चित करेगी, या तो वस्तु की कीमत या तो उसकी मात्रा, और उसे इसमें चयन करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत फर्म अपने उत्पादन एवं कीमत को कैसे निर्धारित करती है। तो विशुद्ध एकाधिकार के अंतर्गत फर्म एक स्थिर एवं निश्चित धनराशि कमाती है, अतः उसका लाभ अधिकतम तब होगा जब उसकी कुल उत्पादन लागत न्यूनतम हो। अतः फर्म की कुल उत्पादन लागत उस दशा में न्यूनतम होगी जब वह बहुत ही कम मात्रा का उत्पादन करती हो और उससे अत्यधिक कीमत पर बेचती हो। किंतु व्यवहार में ऐसी कोई भी फर्म नहीं होती, या व्यवहार में ऐसी कोई फर्म इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वस्तु की इतनी कम मात्रा को अत्यधिक कीमत पर बेचकर समुदाय की समस्त आय को ग्रहण कर सके। अतः जो प्योर मोनोपोली है वो एक मिथ्या है, वो एक भ्रम है, वो वास्तविक व्यवहार में सही नहीं है। इसलिए विशुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति है वो एक ठोस वास्तविकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कम से कम खाद्यान्नों एवं कच्चे माल के बाजारों में तो यह प्रचलित रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो विशुद्ध एकाधिकार है या जो शुद्ध एकाधिकार है, वो जो एकाधिकार है वो कैसी घटना है, वो वास्तविक व्यवहार में हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी फर्म के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो कम्युनिटी की, समुदाय की समस्त आय को खुद ग्रहण कर सके, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे इसके, ठीक है, और हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो अपूर्ण एकाधिकार है वो क्या है। लिखिए, अपूर्ण एकाधिकार को ही हम सीमित एकाधिकार भी कहते हैं। अपूर्ण एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और इन इंग्लिश, एन इम्परफेक्ट मोनोपोली रिफर्स टू दैट मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट for which there are no close substitutes। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु बाजार में या बाजार में वस्तु के स्थानापन्न तो होते हैं, किंतु वो निकट स्थानापन्न नहीं होते।
विशुद्ध एकाधिकार की तुलना में अपूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी की स्थिति दुर्लभ होती है। ये पॉइंट आप नोट करिए कि विशुद्ध एकाधिकार की तुलना में अपूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी की स्थिति दुर्लभ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो विशुद्ध एकाधिकार है, विशुद्ध एकाधिकार में फर्म इतनी पावरफुल होती है कि वो सब कुछ कर सके, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं होती। अपूर्ण एकाधिकार की स्थिति क्या? अपूर्ण एकाधिकार में फर्म के पास कई उसके स्थानापन्न होते हैं, लेकिन वो निकट स्थानापन्न नहीं होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अतः अपूर्ण एकाधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि विशुद्ध एकाधिकारी। अब पूछा जाए अपूर्ण एकाधिकारी या विशुद्ध एकाधिकारी में कौन ताकतवर है, तो आप बताएंगे कौन? विशुद्ध एकाधिकारी ताकतवर होता है क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और जबकि विशुद्ध, जबकि उसमें वो होता है, क्या होता है, उसके कई निकट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अपूर्ण एकाधिकार में एकाधिकारी की स्थिति दुर्लभ होती है क्योंकि उसके कई सारे स्थानापन्न होते हैं, ठीक है? मान लीजिए इसका एक उदाहरण बहुत ही अच्छा है, किसी नगर में बिजली कंपनी को अपूर्ण एकाधिकार का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए कोई फर्म है, वो बिजली प्रोड्यूस करती है, तो बिजली प्रोड्यूस करती है तो मोनोपोली है बिजली की, लेकिन अब उस बिजली के भी कई सारे निकट सब्स्टिट्यूट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती हो गई, दिया हो गया, मट्टी का तेल हो गया जिससे दिया जलता है, तो ये सारे क्या है, बिजली का काम तो नहीं करते, लेकिन वो क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट है। जो आदमी उसका, जो जिस आदमी के पास पैसा नहीं होगा, जो बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो इन साधनों से अपना काम चला सकता है। अतः जो विशुद्ध एकाधिकार स्थिति होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है, और अपूर्ण एकाधिकार की स्थिति वो कम ताकतवर होती है, उसमें एकाधिकारी के पास इतनी ताकत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विशुद्ध एकाधिकार में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, सिर्फ फर्म अकेली होती है, वही प्राइस डिटरमाइन करती है या वो क्वांटिटी डिटरमाइन करती है। अगर वो क्वांटिटी कम बनाती है तो प्राइस हाई रखेगी, अगर वो क्वांटिटी ज्यादा बनाएगी तो प्राइस कम रखेगी, क्योंकि उसका एक एम अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लेकिन अपूर्ण एकाधिकार, वो हो गया विशुद्ध पूर्ण एकाधिकार, ये हो गया अपूर्ण एकाधिकार। अपूर्ण एकाधिकार में वस्तुओं के निकट स्थानापन्न नहीं होते, निकट मतलब एकदम क्लोज नहीं होते, लेकिन स्थानापन्न होते हैं, लोग उनसे उनको शिफ्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिजली बनाती कंपनी, उसके कई सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, या सलाई है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, मोमबत्ती है, ये ऐसे कई सारे साधन हैं जो लोग बिजली की जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। अतः अपूर्ण एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी फर्म उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी कि वो पूर्ण एकाधिकार या शुद्ध एकाधिकार या एब्सोल्यूट निरपेक्ष एकाधिकार की स्थिति में होती है, ठीक है? अब दूसरी चीज कि जब विशुद्ध एकाधिकार की भांति अपूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग का अंतर अदृश्य हो जाता है, फर्म केवल फर्म ही नहीं वह उद्योग भी होती है, और फर्म का औसत आगमवक्र दाईं ओर नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उद्योग की वस्तु का मापवक्र नीचे गिरता है, ठीक है? अतः विशुद्ध एकाधिकार एक कल्पना है और अपूर्ण एकाधिकार एक ठोस वास्तविकता है, ठीक है? अब अपूर्ण एकाधिकार, अब आप लोगों को इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहले एकाधिकार, आप जान गए, एकाधिकार वह स्थिति होती है जहां पर बाजार में किसी वस्तु का एक ही बेचने वाला होता है, ठीक, मोनोपोली, मोनो मींस सिंगल, पोली मींस पावर। अब दूसरी चीज आ गई, अब एकाधिकार से भी दो चीजें निकल के आई, पहला क्या निकला, शुद्ध एकाधिकार, प्योर मोनोपोली, परफेक्ट मोनोपोली, एब्सोल्यूट मोनोपोली। तो आप उसमें बताएंगे कि सर शुद्ध मोनोपोली जो होती है, ठीक है, उसमें एकाधिकारी इतने ताकतवर होता है कि वह उस समुदाय की समस्त मौद्रिक आय को खुद हजम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका कोई निकट स्थानापन नहीं होता। लेकिन जो विशुद्ध एकाधिकार है, लेकिन जो अपूर्ण एकाधिकार है, उसमें फर्म एकाधिकारी फर्म इतनी ताकतवर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके निकट स्थानापन उनके नहीं होते, लेकिन होते हैं, स्थानापन होते हैं, लेकिन वो निकट स्थानापन नहीं होते, ठीक। तो ये हम बता सकते हैं, इसीलिए उसमें जो मांग की लोच है, तो मांग की प्रतिलोच इकाई से कम होती है, जीरो से एक के बीच लाई करती है, जबकि पूर्ण एकाधिकार में जो मांग की लोच है, वो मांग की प्रतिलोच है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो शून्य होती है। आगे हम पढ़ेंगे एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन और कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है? तो अगले वाले क्लास में उसको, ओके, थैंक यू।